तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी में लिस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। और ये स्टॉक बीएससी में लिस्टेड है, मार्केट कैप मतलब स्मॉल कैप स्टॉक बोल करके चल सकते हैं इस स्टॉक को। और स्मॉल कैप सेक्टर का स्टॉक है, मार्केट कैप 112 करोड़ है और करंट प्राइस चल रहा है 7 रुपये। हाई लगा चुका है, 88 रुपये का हाई लगा चुका है यार। ऑल टाइम लो के पास मिल रहा है अभी करंटली आपको, 4.73 रुपये का इनका ऑल टाइम लो है, लो बनाया है। स्टॉक पी है 11, तो स्टॉक पी के हिसाब से अंडर वैल्यू स्टॉक है, सस्ते प्राइस मिल रहा है स्टॉक पी के हिसाब से। और बुक वैल्यू 1.98 रुपये, कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड नहीं करती है। और उसकी 40% ROE है 37%, जो कि जबरदस्त माना जाता है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रमोटर के पास 6000% की होल्डिंग, जो कि अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। डेट टू इक्विटी 0.22, एनुअल प्रॉफिट 9.75 करोड़ का। और डेब्ट है 6.36 करोड़, उनके पास कर्ज है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 37%, इंडस्ट्रीज पी है 32 और EPS है 0.64 पैसे, मतलब 64 पैसे का EPS है। और फिर कैश फ्लो निगेटिव में 8 करोड़, प्लस परसेंटेज 0 है। यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग गिरवी नहीं रखा गया है। अगर हम लोग बात करें प्रॉस की, तो कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 54.9% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। तो अपने लास्ट 5 ईयर में 54% का कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है। सिंगल लाइन कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर 25%, यानी 25% का ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 सालों का। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव में हैं। अगर हम लोग बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो मार्च वाले क्वार्टर में 9.22 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कंपनी के पास। और दिसंबर 2022 में 72 लाख का, 2022 सितंबर में 1.62 करोड़ का, जून में 92 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कंपनी के पास। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें, तो 7.33 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी को मार्च वाले क्वार्टर में। दिसंबर में 42 लाख का, सितंबर में 1.05 करोड़ का और जून में 74 लाख का नेट प्रॉफिट आया कंपनी के पास। तो लगातार कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में है क्वार्टर वाइज। अगर ईयरली वाइज देखें हम लोग, तो 2023 में 12 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 2022 में 5 करोड़ का, 2021 में 4, 2020 में 3। तो कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रही है क्वार्टर वाइज, ईयरली वाइज, क्वार्टर वाइज दोनों। तो ग्रोथ करती हुई कंपनी दिखला रही है हमें प्रॉफिट। 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास 2023 में, 2022 में 4 करोड़ का, 2021 में 2 करोड़ का, 2020 में 1.21 करोड़ का इनके पास नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। तो अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट ला रही है ईयरली बेस पे और क्वार्टरली बेस पे भी। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए, तो 5 साल में 16%, 3 साल में 27%, CTM में 60% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 55%, 3 साल में 115% और DTM में 131% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस ही शेयर की बात करें, 3 साल में 105% और 1 साल में 68% निगेटिव में है स्टॉक प्राइस CAGR। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो 5 साल में 20%, 3 साल में 26, लास्ट ईयर 37% रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी के पास। अगर हम लोग बैलेंस शीट चेक करें कंपनी की, तो इनके पास रिजर्व देख सकते हैं 14 करोड़ का रिजर्व है, वहीं कर्ज 6.36 करोड़ का। तो कंपनी का अच्छा खासा रिजर्व है। हम लोग चलते हैं कैश फ्लो की तरफ, तो कैश फ्लो कंपनी के पास निगेटिव में 5 करोड़ का, नेट कैश फ्लो भी 4 करोड़ के निगेटिव में है। शेयर होल्डिंग बटन देखिए कंपनी की, इनके पास 66.12% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। ये होल्डिंग पहले 71% की हुआ करती थी, फिर इंक्रीज हुआ 72 हुआ, फिर घट के ठीक है घटा प्रमोटर की होल्डिंग मार्च 2021 में 21 में 70 हुआ और 17.58 हुआ, फिर सितंबर 2021 में इंक्रीज हुआ 17.63 हो गया, फिर इंक्रीज हुआ होल्डिंग 71.15 हो गया, लेकिन फिर सितंबर 2022 आया 70.44 हो गया घट करके,
फिर दिसंबर 2005 में 66.99 हुआ घट करके। फिर अभी मार्च वाले क्वार्टर में कुछ परसेंट की होल्डिंग डिग्रीज हुई, 66.12 हो गया, पहले 66.99 हुआ करता था। तो प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग डिक्रीज करने में लगे हैं, लेकिन कंपनी को अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। और अगर हम देखें पब्लिक के पास मात्र 33% की होल्डिंग है। अगर हम लोग देखें प्रमोटर पब्लिक के अंदर कुछ ही परसेंट इंडिविजुअल की होल्डिंग है कि नहीं है, चलिए देख लेते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग देखेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा लगा हुआ है इंडिविजुअल का इस स्टॉक के अंदर। तो ये देख सकते हैं पब्लिक के अंदर 3.83% की होल्डिंग है, विशाल के पास 2.92% की होल्डिंग है, मनोज के पास 2.12% की होल्डिंग है, आशुतोष के पास 2.67% की होल्डिंग है, गुण वारंटी के पास 1.91% की होल्डिंग है, श्रद्धा के पास, ऐसे करके काफ़ी अच्छी होल्डिंग इंडिविजुअल के पास है। तो ये होल्डिंग हमें कैलकुलेट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कि कितने परसेंट की होल्डिंग है इंडिविजुअल के पास। दोस्तों, इस स्टॉक का नाम है गैलकैटिको कॉरपोरेट लिमिटेड, और फंडामेंटली ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग लग रहा है करंटली, लेकिन क्योंकि क्वार्टरली और ईयरली बेस पर अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखला रही कंपनी, लेकिन एक चीज़ की कमी है यहाँ पे, क्या प्रमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज की जा रहे हैं, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी उतना डिक्रीज नहीं हुआ है कि हम डर जाए। तो इस स्टॉक को हम अपने नज़रों में बना करके रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस स्टॉक अंदर काफ़ी अच्छा इंडिविजुअल को भी पैसा लगा हुआ है और स्टॉक पी के हिसाब से स्टॉक अंडर वैल्यू मिल रहा है, सस्ते प्राइस मिल रहा है। दोस्तों, अगर ये स्टॉक 6.52 रुपये के प्राइस मिले, डेफिनेटली हम बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी एक बिल्कुल सपोर्ट के पास है और करंट प्राइस में भी बाय करके चला जा सकता है। मैक्सिमम टाइम इस ऐसे स्टॉक के साथ क्या होता है कि कभी कभी जब अगर आप बाय किए, देखो ये 4 रुपये के प्राइस स्टॉक कहाँ तक भग करके गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्या ये सही हो सकता है। 2020% का रिटर्न कंपनी ने बना करके दिया, 88 रुपये तक को की रेंज तक ले गई थी। अगर इस कंपनी का वैल्यूएशन सही रहता, ठीक है, इस कंपनी की प्राइस की वैल्यूएशन सही रहती, तो ये स्टॉक आज इतना नीचे आता नहीं। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं 30-40% की करेक्शन दिखला देती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं होती हैं। तो मैं बता दूँ पेनी स्टॉक के साथ क्या होता है, पंप और डंप करने वाली स्कीम लागू हो जाती है। तो जब भी आप एंट्री करें तो देखो यहाँ एक रेंज बना हुआ था स्टॉक के पास, ये रेंज, ठीक है, अभी करंटली ये रेंज बन रहा है, ये रेंज बनेगा और अपने सपोर्ट के पास स्टॉक है। तो स्टॉक जब भी सपोर्ट के पास रहे तो बाय करके चले, वैसे अदरवाइज बिल्कुल बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये होते हैं ऑपरेटर होते हैं बिल्कुल अपने पॉइंट पे, मतलब सपोर्ट के पास बाय करने की कोशिश करते हैं, तो उस स्टॉक को पंप और डंप करके ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे, जब रिटेल की एंट्री होगी तो फिर बाहर निकल जाएंगे। तो ऑपरेटर के साथ आप भी गेम खेल करके चल सकते हो कि सपोर्ट की कोशिश करो बाय करने के लिए, एक रेंज में स्टॉक रहे जब तब बाय करें, और जब स्टॉक ऊपर जाए तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें। अगर आप अपनी मंथली इनकम का हमेशा 2% हिस्सा पहले स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आपको पता हो जाएगा सारी चीज़ें कैसे कामकाज करती हैं। पैसा वही लगाओ जो खोने के लिए तैयार रहो, या फिर दारू पी के लोग बर्बाद कर देते हैं पैसे, सिगरेट पी के फूंक देते हैं, वैसे पैसे को पेन स्टॉक के साथ इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। करंटली ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लेकिन स्टॉक मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, सपोर्ट एक्सटेंस काम करते हैं मार्केट के अंदर, तो अभी करंटली सपोर्ट के पास है ये स्टॉक, तो इस प्राइस में भी बाय करके चल सकते हैं। अगर आपके पास सबर नाम की चीज़ है तो वेट करो, 5.73 रुपये के लमसम इस प्राइस में मिले, डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो, नहीं तो करंट प्राइस में भी बाय करके चल ही सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा ना कि बाय और सेल करने के लिए, अगर आपको एंट्री करना हो तो आप अपने रिस्क पर एंट्री करके चल सकते हैं या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं।
और स्टडी करो स्टॉक को लेकर के, स्टॉक का नेम खोलो करके। मिलते हैं।